अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा सैमसंग J7 Max किस कैसा मोबाइल है। तो मैं इसकी फिंगरप्रिंट और ये बताऊंगा कि इसमें आपको ये कैसा रहेगा मोबाइल। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, देखें फिंगरप्रिंट कितनी तेज़ है इसकी फिंगरप्रिंट। तो इसको टेस्ट करने के लिए आप ये देखना लाजमी है कि ये ओरिजिनल है या फेक। ओरिजिनल फेक के लिए आपने सबसे पहले ये कोड मिलाना है। देखें अगर आप किसी से ले रहे हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं, यानी देखें मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा देता इसका भी टच चेक करने का तरीका। देखिए पास हो गया, आपने इस तरह चेक भी कर सकते हैं। अगर आप की बार चेक करने से करते हैं सबकी भी चेक कर सकते हैं। देखें देखें ये आपको बता रहा है जिस जिस बटन पर आप क्लिक करेंगे वो रंग चेंज होता है, यानी ये चल रहे हैं। सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना, उसके बाद आपने दूसरा कोड मिलाना है अपने सेंसर वाला के सेंसर की किस तरह के आपने इस पर याद रखना है। ये कॉल सेंसर है, जब आप कॉल कान पर लगाते हैं ये बंद हो जाती है कॉल, ये वो सेंसर है। अगर ये लगातार इस तरह रहें तो अगर आप हाथ ना रखें तो फिर भी इसी तरह है तो आपके जो मोबाइल सही नहीं है आपके लिए। तो आप फिंगरप्रिंट टेस्ट भी चेक कर सकते हैं, इस पर फिंगरप्रिंट लगा कर भी चेक कर सकते हैं। तो आपने दूसरा कोड क्या चेक करना है, इसका मॉडल चेक करना है। आपने मॉडल चेक करने के लिए *#1234# हैश लगा देना है। हैश लगाने के बाद आपको यहाँ पर बता देगा वो कि कौन सा मॉडल है, J615FD मॉडल ये आपको बता देगा। और ये कोड आपको काम ना करे तो इसका मतलब आप बैटरी चेक करने के लिए आपने ये वोल्टेज देख लेने हैं। जो जितने भी मोबाइल सैमसंग के हैं इसमें ये कोड वर्क करेंगे जो ओरिजिनल वाला। ये अब ये 3884 देखें वोल्टेज ले रहा, 5% बैटरी इसकी आपको बता रहा है, करंट वैल्यू वोल्टेज 3884 ले रहा है। तो ये करंट सही ले रहा है 4000 का। अगर आप करंट ये ले तो 5000 के करीब ले तो ये शॉर्ट है। अगर आप देखो 2921 हो गया, अगर आप ये 2000 ले तो ये भी फिर भी ठीक नहीं इसकी बैटरी। तो ये बैटरी चेक करने का तरीका था। उसके बाद आपने इसका सॉफ्टवेयर देख लेना। सॉफ्टवेयर देखने के लिए आपने सेटिंग में जाना, सेटिंग में अबाउट फोन पे जाना, अबाउट फोन के बाद आपने देखना है यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन सैमसंग एक्सपेरियन वर्जन Android 7 है, Android 7 ठीक रहेगा आपके लिए, बिल्ड नंबर भी ठीक है। और इसके बैटरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बैटरी इन्फॉर्मेशन जाना, ये कितनी देखें 3300 mAh बैटरी, ये मेरे हिसाब से ये ठीक है आपके लिए रहेगा क्योंकि ये एक दिन निकाल देगा आपके लिए कॉल भी। अगर फुल नेट चलाएं तो ये नहीं निकालेगा, एकदम 12 घंटे निकाल लेगा तकरीबन। तो आज की वीडियो इतनी अच्छी, अगर मेरी वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।